जब तुम्हारी कोई तारीफ करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। किसने की तारीफ मेरी? No, I mean in general, कितनी काबिलियत है तुमने। अच्छा चलिए एक बात तो बताइए, तुम्हारा गाना कहाँ? अंकुश, इतने दिनों से रियाज भी तो नहीं किया मैंने। तो आज से शुरू कर दो। और घर का सारा काम वो कौन करेगा? किचन में इतना सारा काम पड़ा है। किचन के काम तो होते रहेंगे, बैठो यहाँ पे और कुछ गाओ मेरे लिए। अंकुश कभी मेरे लिए भी तो गाया करो। ठीक है बताइए कौन सा गाना गाओ। वही आंखों में सावन। हर लड़के की तरह मैंने भी सोचा था कि वो लड़की कैसी होगी जिसे मैं अपना बनाऊंगा। एक तस्वीर बनाई थी मैंने अपने मन में और उस तस्वीर में कई खूबियां होंगी ये भी सोचा था। कैसी खूबियां? वो गाती हो, मुझसे ज्यादा पढ़ा हो, घरेलू भी हो और मॉडर्न भी, संजीदगी से बात कर सके और मेरी बेवकूफियों पर खिलखिला कर हंस भी सके। जिस लड़की के पीछे मैं पागल था उसमें इनमें से कोई भी खूबियां नहीं थी। और तुम में नंदा, तुम में वो सारे रंग हैं जिससे मैंने वो तस्वीर बनाई थी। आप मुझे फ्लैटर कर रहे हैं। हाँ लेकिन सच भी कह रहा हूं और यही सोच रहा हूं कि तुम में वो सब कुछ है जो मुझे पसंद है, फिर भी मैं देखकर अनदेखा करता रहा। चलिए देर से ही सही, आप उसे भूलने तो लगे हैं। भूलने लगे ना। पल वो पुराने भूलना। मैंने शाम को कहा है स्मृति को आने के लिए, पता नहीं वो आ भी पाएगी या नहीं। तू खाम का परेशान हो रहा था मुझे, तो उसने कहा है आने के लिए तो फिर क्यों नहीं आई? कम वक्त दिनेश राय की वजह से यार, 24 घंटे स्मृति पर नजर रखता हूँ। स्मृति कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, सब कुछ जानना है उसे। क्यों? क्योंकि दिनेश राय नहीं चाहता है कि मैं स्मृति से मिलूं। नहीं मतलब तुझे कैसे पता चला कि दिनेश ये नहीं चाहता है कि तू स्मृति से मिले? यार मैंने बार बार स्मृति से मिलने की कोशिश की, घर में, घर के बाहर, सड़क पर, हर जगह उसने अड़चन लगाई, मिले नहीं दिया मुझे। हाँ एक बार तो चार चार गुंडे लगाए, उन्होंने खूब पीटा, लहू लुहान कर दिया मेरा, मरते मरते बचाऊं मैं। तो तू यकीन के साथ कह सकता है कि ये सब कुछ दिनेश ने करवाया? और कौन करवा सकता है, उसे सबसे ज्यादा खतरा मुझसे ही है। तो कल को हो सकता है वो तुम्हें खत्म कर दे, खून कर दे तुम्हारा? हो सकता, इसलिए सबसे पहले जाकर मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई दिनेश के खिलाफ। कैसी रिपोर्ट? यही, कल को अगर मैं मारा जाऊं तो समझ लेना इस मौत के पीछे दिनेश का हाथ, वरना और कोई मुझे क्यों मारेगा। ये भी सही है, और कोई तुम्हें क्यों मारेगा। ऐसे चावल साफ करते करते कोई हंसता है क्या? बताओ ना बात क्या है। देख रही हूँ कि कैसे चुप और गुमसुम रहने वाली नंदा अचानक चहकने लगी है।
गुनगुनाने लगी। तो तुम इस बात पर हंस रही हो? नहीं नंदा, मैं तुम पर नहीं हंस रही हूं, तुम्हें खुश देखकर खुश हो रही हूं। जब शिकायतें दूर हो जाती है ना तो खुशी तो होती है ना। मैंने कब कहा कि नहीं होती। तुम्हारी गुनगुनाने की वजह बताएगी नहीं? This is not fair, Priya. Come on, नंदा, ऐसी कोई बात नहीं। खुशियां क्यों हो रही है ये क्या जानना जरूरी? क्या इतना काफी नहीं है कि हम लोग खुश हैं? सोचो मत, जाओ तुम्हारी सब्जी जल जाएगी। देखो बेटे, अब ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है। दिनेश की गैर हाजिरी में उसका दफ्तर से तुम्हें उसकी कोई चीज गायब करनी है। कौन सी चीज? ऐसा कुछ भी जो खास तौर पर दिनेश का ही हो, जो अक्सर दिनेश इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर ये समझ में आ जाए कि ये चीज दिनेश की ही है। मगर क्यों? ताकि उसकी नामौजूदगी को मौजूदगी में बदला जा सके। नहीं, मैं कुछ समझी नहीं। बेटे फिलहाल तुम्हारे लिए समझना जरूरी नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करना जरूरी है, और वो भी जल्द से जल्द। बेटे ठीक है, मगर दिनेश जब अपने केबिन में नहीं होते तो अक्सर वहाँ प्रकाश काम कर रहा होता है, इसलिए शायद ये काम थोड़ा मुश्किल हो। लेकिन बेटे मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ठीक है, काम हो जाएगा। वेरी गुड। बेटा एक और बात है जिसका ख्याल तुम्हें रखना है, दिनेश की उस चीज पर तुम्हारी उंगलियों के निशान नहीं पड़ने चाहिए। ऑल द बेस्ट। पिछले कई दिनों से मैं आपको देख रहा हूं मां, कुछ उलझी सी रहती हैं आप, क्या बात है? कुछ नहीं। जिस तरह पहले मैं अपने उलझनों में खोया रहता था और कोई पूछने पर कहता था कि कुछ नहीं है, उसी तरह से आपने कहा ना। बहुत समझदार हो गया तुम तो। फिर बताइए ना कि क्या बात है, शायद मैं अपनी समझदारी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। सबको अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी होती है अंकुश, मदद करने कोई नहीं आता, रुकावटें सब खड़ी कर देते हैं। अच्छा मैं समझ गया, आपका और पापा का झगड़ा हुआ है बस। अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ये तो आपका प्राइवेट मामला है। ठीक है तू रहने दे, प्राइवेट मामला है। तू मुझे ये बता कि ये तेरा प्राइवेट मामला एकदम से कैसे ठीक हो गया? डिसीजन, अचानक सोचा कि बहुत हो गया, अब थोड़ा चेंज करते हैं अपने आप। एक्सीडेंट का झटका जरूरी था तुम्हें। एक और डिसीजन लिया मैंने। अब क्या सोचता हूं कि
घर में पड़े रहने से क्या फायदा, थोड़ा बहुत ऑफिस जाना चाहिए, बड़े पापा और पापा का बिजनेस में हाथ बटाना चाहिए, थोड़ी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो सीरियस है अंकुश? हाँ बिल्कुल, मगर बड़े पापा और पापा मुझे सीरियसली लेंगे? सुनकर खुश हो जाएंगे वो। Are you sure? तू जाके बात करके तो देख। आप खुश हैं ना? बहुत खुश हूँ। मुझे वो सब सबूत मिल गए जो तुम चाहती थी, और अगर तुम चाहो तो अपनी आंखों से देख सकती है। हिल रोड वाली काली मंदिर के पास पुराना मकान है, 27/8। मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम दामोदर से मिली तो मेरा मरा मुंह देखोगी स्मृति। दीपक से किया हुआ वादा तोड़ रही हूं मैं, मुझे माफ करना। हो सकता है मेरा ये कदम मेरे ही खिलाफ जाए, हो सकता है दीपक मुझे जिंदगी भर माफ न करे, लेकिन मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। मुझे माफ करना भगवान। आधा घंटा पहले स्मृति को आ जाना चाहिए था, पता नहीं वो आएगी कि नहीं। सब्र नहीं है तुझे? बात सब्र की नहीं है, फिक्र की है। उसे तो पता ही नहीं है अपने ससुराल के असली चेहरे का, उसे तो जरा भी शक नहीं है इन बाप बेटों की नीयत पर। वो तो मानने को तैयार भी नहीं है कि पैसों की लालच में ये लोग ऐसा भी कर सकते हैं। देख दामोदर, पैसों के लालच में दिनेश और दीनानाथ ने शायद बनर्जी बाबू का खून किया हो, लेकिन स्मृति की बड़ी बहन को इन लोगों ने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? किसी ने नहीं। मतलब? मतलब रूमा जिंदा है। ये बात तुझे कैसे पता चली? क्योंकि रूमा को मारने का काम इन लोगों ने मुझे सौंपा था, और मैंने उसे मारा नहीं, बचा लिया। क्या कह रहा है काली? वही सच दामोदर, जो आज तक राय खानदान ने किसी को नहीं पता। इसका मतलब अगर स्मृति को यह बात पता चल जाए तो वो कितनी खुश होगी। उसे यह पता चल जाए कि उसकी बड़ी बहन जिंदा है तो वो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। वो तो नहीं दामोदर, ये बात उसे कभी पता नहीं चलेगी। क्यों? देख, मैं तो उसे ये नहीं बताऊंगा तो